स्टार्ट। भारत में लोकतंत्र है, संघीय ढांचा भी है, यह दोनों ही खासियतें हमारी शान हैं, लेकिन कम ज़्यादा हर वक्त यही शान सबसे ज़्यादा दांव पर लगी नज़र आती है। केंद्र हो या राज्य, दोनों जगह सरकारें एक दल की हो या फिर अलग अलग दलों की, मार इन्हीं दोनों पर पड़ती नज़र आती है। फिर चाहे वह टकराव के रूप में हो या चुप्पी के रूप में, आज भी हालात कमोबेश देश के संघीय ढांचे के कमज़ोर होने के ही नज़र आ रहे हैं। फिर चाहे वह नागरिकता संशोधन अधिनियम का विवाद हो या फिर प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, आयकर विभाग अथवा NIA जैसी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप, यह सारी एजेंसियां देश में आज नई नहीं बनी हैं। NIA को छोड़ दे तो सब की सब दशकों पुरानी हैं। ऐसा भी नहीं है कि इनके दुरुपयोग की शिकायतें आज ही आने लगी हैं, पहले भी इनके माध्यम से राजनीतिक हित साधने के आरोप लगते थे, लेकिन इन वर्षों में ऐसे आरोपों की जो बाढ़ सी आई है वह चिंता बढ़ाने वाली है। इससे भी आगे पहले टकराव की नौबत नहीं आती थी। केंद्र और राज्य की सरकारें आमने सामने नहीं होती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इन सालों में वे सीधे भिड़ने लगी हैं। सबसे पहले यह सीधा टकराव CBI के दुरुपयोग पर आंध्र प्रदेश और केंद्र में हुआ। आंध्र ने तब बाकायदा कानून बनाकर CBI को अपने यहाँ किसी भी कार्रवाई से प्रतिबंधित कर दिया। कमोबेश ऐसा ही पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में किया। अन्य कई विपक्षी सरकारों के सुर भी बदल गए। फिर एक श्रृंखला चली, नागरिकता संशोधन कानून उनका केंद्र बिंदु बन गया। कई राज्यों की सरकारों ने इस केंद्रीय कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिए। इस पर लगी आग के घेरे से अभी देश जूझ ही रहा है कि दो दिनों से छत्तीसगढ़ में चल रही आयकर विभाग की छापेमारी ने फिर टकराव का माहौल बना दिया है। केंद्र पर राजनीतिक कारणों से ऐसा करने के आरोपों के बीच राज्य पुलिस ने नो पार्किंग के बहाने विभाग की गाड़ियों का ही चालान कर दिया। विभाग ने आज फिर सीधे मुख्यमंत्री के दफ्तर में कार्यरत अधिकारी के यहाँ छापा मारा। भ्रष्टाचार कहीं भी हो वह रुकना ही चाहिए, लेकिन उसमें राजनीति के आरोपों का आना और दो सरकारों का सीधे टकराना देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इससे पहले की स्थितियां और बिगड़े, केंद्र और राज्यों की सरकारों को मिल
बैठकर माहौल को ठीक करने के प्रयास करने चाहिए। ऐसी संवादहीनता किसी भी स्तर पर नहीं रहनी चाहिए, जो कि अंततः हमारे लोकतंत्र और संघीय ढांचे को तहस नहस कर दे। आज हम जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं, कम से कम वह तो इन दोनों के भविष्य की अच्छी तस्वीर नहीं दिखाता। Thank you.